इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दरभंगा जिला का वीडियो है और ये वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के रसियाड़ी स्थित नवदुर्गा स्थान मंदिर के पास एक किराना दुकान में शुक्रवार को देर रात करीब 9 बजे डकैतों ने 10 लाख रुपये लूट लिया और दक्षिण दिशा की तरफ भाग निकला। वहीं डकैतों ने इस घटना को हथियार के बल पर अंजाम दिया। बताया जाता है कि 8 से 9 की संख्या में नकाबपोश डकैत किराना के दुकान में होलसेल व्यवसायी ज्वालामुखी किराना स्टोर के मालिक राधेश्याम झा की दुकान में घुस गया और कार्यरत कर्मचारियों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों के चेहरे पर किसी रसायन व नशा का पदार्थ छिड़काव कर दिया। दुकान में रखे 10 लाख रुपये भी लूट कर ले गए। हालांकि लूट की राशि की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोग 10 लाख बता रहे हैं, कुछ लोग 13 लाख रुपये बता रहे हैं। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग निकला। सूचना मिलते ही घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा और बिरोल एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया है। इधर इस घटना को अंजाम देने में सहरसा के अपराधी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगा हुआ था, जहां से पुलिस वीडियो व फुटेज के आधार पर अपराधी का पता लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं।